चले डॉगी से मिलना, छोटे छोटे डॉगी से मिलना, चले बाबा चले लोगन चले। ओके ओके बाबा, ओके 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 ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, ओके ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत मज़े में होंगे। तो हाँ जी, आज हम कहाँ जा रहे हैं? बेसिकली संडे का दिन था, हम लोगों ने सोचा यार मॉम डैड आए हैं, काफ़ी टाइम से कहीं घूमे नहीं हैं, तो चलो हम कहीं घूम के आते हैं। तो हमने सोचा चलो छतबीर ज़ू जाके आते हैं। फिर मेरे को लगा यार हम छतबीर जाएंगे और लोगन लोगन का भी तो संडे है, उसका भी तो इन्जॉय करने का मन करता है। फिर हमने सोचा डॉगीज़ा फार्म है छतबीर ज़ू के पास ही है, तो वहाँ पर लोगन को छोड़ देंगे, लोगन भी इन्जॉय कर लेगा और हम लोग भी। तो मैं, मम्मा, रॉबिन और लोगन निकल गए छतबीर ज़ू और डॉगीज़ा फार्म की तरफ। अच्छा पापा क्यों नहीं आए? बिकॉज़ पापा को स्लिप डिस्क है, तो वो ज़्यादा चल नहीं सकते और ज़ू में बहुत चलना पड़ता है, इस करके हम लोग गए। और इसको देखो आप कैसे बैठता है ना ये क्यूटली, बिल्कुल इंसानों की तरह। इसको गाड़ी में घूमी घूमी जाने का ना बड़ा क्रेज़ है, ये बड़े खुश होकर बैठता है और पूरी विंडो से ना अपना गर्दन बाहर निकाल के पूरा इंजॉय करते चलता है। मैं आगे दिखाती हूँ आपको, पूरा हवा इतनी तेज़ चलती है ना, फिर भी अपनी ये गर्दन अंदर नहीं करता है बिल्कुल भी, बिल्कुल बाहर निकाल के पूरा इंजॉय करके चलना चाहता है। ये देखो आगे दिखा रही हूँ मैं आपको कैसे इंजॉय करता है। देख रहे हो आप लोग कितनी हवा चल रही है, पर इसको फ़र्क पड़ रहा है ना? बिल्कुल भी नहीं, इसको तो बस अपनी गर्दन को बाहर रखना है विंडो के और पूरी हवा का मज़ा लेना है। ये ट्रैवलिंग में बहुत खुश रहता है और इसको देख के मैं भी काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। और बस इन ट्रैफिक लाइट्स को क्रॉस करके थोड़ी ही दूर पे बस हम पहुँचने वाले थे डॉगीज़ा फार्म। पहले हमने लोगन को ड्रॉप किया, उसके बाद हम लोग निकले छतबीर ज़ू की तरफ। एंड आई मस्ट टेल यू गाइस, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है डॉगीज़ा फार्म। अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप ज़रूर एक बार विज़िट करो। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ, ये मुझे अच्छा लगा है। मैंने काफ़ी बार लोगों को वहाँ पे डे आउट के लिए भी छोड़ा है, वो लोग हॉस्टल भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर किसी को अपने पेट्स को रखना हो तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी अच्छा टेक केयर करते हैं वो डॉग्स की, ऐसी बात नहीं है। आपको डे टू डे वो वीडियोज़ भी भेजते रहते हैं अपने डॉग्स की। तो बस हम लोग ये पहुँचने वाले हैं डॉगीज़ा फार्म। दिस प्लेस वेरी वेल, तो आप इसकी एक्साइटमेंट देख ही सकते हो कैसी है। चले बाबा चलो, हम लोग पहुंच गए हैं डॉगीज़ा फार्म। ये इसकी एंट्रेंस है, काफ़ी बड़ा है ये और ये लोग सुपर एक्साइटेड टू मीट हिज फ्रेंड्स। यहाँ पे लोग अपने ना डॉग्स को छोड़ के जाते हैं, जैसे कहीं ट्रिप पे गया कहीं गई। ये स्विमिंग पूल अभी खाली है शायद सर्दियाँ करके। अच्छा मुझे लगा था मैं आपको अंदर से पूरा दिखाऊंगी डॉगीज़ा फार्म शूट करके, बट क्या था कि बहुत सारे डॉग्स आए हुए थे इनके पास अभी, तो अभी मुश्किल था बिकॉज़ फिर अटेंशन पाने के लिए एक दूसरे को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं ना। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी लोगन के साथ, तब तक गर्मियाँ भी आ जाएंगी और स्विमिंग पूल वगैरह सब जगह इन्जॉय कर पाएगा लोगन। मैं आपको पूरी मस्ती दिखाऊंगी लोगन की और पूरा अंदर से ये डॉगीज़ा फार्म भी दिखाऊंगी। तो बस हमने लोगन को ड्रॉप किया और उसके बाद हम लोग निकल गए छतबीर ज़ू की तरफ। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए छतबीर ज़ू। ये एंट्रेंस है छतबीर ज़ू की। आप लोग रश देख रहे हो, बस इसी बारे में मैं डिस्कस कर रही थी मम्मा के साथ कि भाई रश देखो आप लोग, इस टाइम पे रश कितना है। तो यहाँ पे जगह भी नहीं है, रश कितना, माय गॉड कौन सा कोरोना चल रहा है। तो भाई साहब काफ़ी भीड़ थी, मैं क्या बताऊँ, पर मैं यहाँ पे ना काफ़ी टाइम पहले आई हूँ, काफ़ी बार आई हूँ पर बड़े साल पहले। तो उसके अकॉर्डिंग ना इन्होंने काफ़ी अच्छा बना दिया अब, जैसे एंट्रेंस इसकी और अंदर से काफ़ी अपीलिंग बना दिया है इन लोगों ने इसकी एंट्रेंस को। अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, देखो ये जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं ना अभी, तो ये पहले नहीं था ऐसा कुछ, अब बना ये और काफ़ी सुंदर है। ये देखो ये सारा, ये देखो गाइस, टिकट्स काउंटर भी काफ़ी सुंदर बना दिया अभी इन्होंने, पहले ऐसा नहीं था। और सोशल डिस्टेंसिंग के भी मास्क वगैरह पूरे लगाए हैं खड़े होने के लिए। अब वो तो हम लोगों पे डिपेंड है, हम लोग उसको कितना फॉलो करते हैं, कितना सीरियस लेते हैं। और कोई अगर अपना मास्क भूल गया या नहीं ला पाया, तो वो सामने देख रहे हो आप, वो मास्क वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हो अंदर जाने के लिए ज़ू में। तो बस गाइस, हमने यहाँ से ज़ू को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। अब मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी बिकॉज़ ऐसे तो व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बस यहाँ से हम लोग अंदर चलते गए और ज़ू को एक्सप्लोर करते गए।
भाई आई होप ये दर्शन ही दे सके। ओए बेबी छोटे बेबीज है मुझे लगता है ना, बड़े ये शेडेड है या ये पानी में बैठा हुआ था पानी में। है ना कितना अच्छा शेड पेंट कितना अच्छा हो गया इसे। ओले जो हो गया उनका पहले बढ़िया ऊपर खड़ा भी उठे तो मेरे तो बना ली वीडियो वीडियो तो बना ली थोड़ी कुछ नहीं चल नहीं जाएगा आ देखा है फोन बना ला हो गया कुहूर तो देखी ग्रू 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 अरे रहने दो आप बंद है बिल्कुल देखो पिंजरा कहाँ ब्लर है या मुझे लग रहा है कि मेरा फोन ब्लर हो रहा है। He's chilling. Yeah, baby, गर्मी बढ़ी है वैसे भी he's chilling. तो बाहर में जाओ तुम लोग फिर हो जाओ ओके वाइल्ड कैट वाइल्ड कैट है ये वाइल्ड कैट नमस्ते ये भी लोग इनकी तरफ नाइस जॉब शो अस समथिंग बस इतना ही डबल चीन आ गया इसका खा के आगे से नाइस देखना ऐसे आ रहा कि इसको सिखाया हुआ है सबके पास आके जाना है ना कौन से शैम्पू से नहाता है पानी की बड़ा शाइन कर रहा है सबसे बड़े खतरनाक पर सबसे बहुत स्लो है यार वो अब इधर तक आएंगे जब तक तब तक अंधेरा हो जाएगा उधर भी सोए हुए हैं दो। सो गाइस ये वाइट मोर है अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैंने मोबाइल से कोशिश करी है अपने जितना हो सके उतना उसको कैप्चर कर पाऊँ अगर आप लोगों को क्लियरली दिख जाए तो दिस इज़ वाइट पिकक। तो बस फिर मैंने साहिल को फ़ोन किया जो डोगीज़ा फार्म में डॉग्स की टेक केयर करते हैं उनको मैंने बोला यार मुझे लोगों की वीडियो भेजो वो क्या कर रहा है कितनी मस्ती कर रहा है मुझे भी देखना मैं उसको मिस कर रही हूँ तो बस उन्होंने मुझे लोगों की वीडियो बना के भेजी तो ये देखो लोगों कितनी मस्ती कर रहा था वहाँ पर Thank you.
तो देखा आप लोगों ने लोगन कितनी मस्ती कर रहा था। तो बस इसी बीच हमने भी जू ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। लायन देखना अलाउड नहीं था ड्यू टू कोरोना, बिकॉज एक बस में जाना पड़ता है। तो शाम होने लग पड़ी थी, हम लोग भी बस वापस को निकल रहे थे। तो वापस जाते थे, हमने थोड़े से बर्ड्स देखे, ये देखो ऑस्ट्रिच सामने, फिर जाके हम लोगों ने लोगन को पिक किया। तो हम वापस आ गए छतबीर से और आए हैं लोगन को लेने वापस डॉगीज़ा फार्म में। तो लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट। देखो कितने सारे पपीज, कितने सारे डॉग्स होते हैं यहाँ पे, पपीज होते हैं छोटे छोटे। खुलना मुश्किल हो जाएगा, बोला फायदा नहीं। तो बस हमने लोगन पिक किया और हम घर की ओर निकल गए। तो गैस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कोरोना से बच के रहो। और देखो लोगन को कितना एंजॉय कर रहा है ना, ये अभी भी इसकी गर्दन जो है वो विंडो से बाहर ही है। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और लोगों को अपना ढेर सारा प्यार दो। ओके, बाय बाय।